ज्वाइनिंग का मैसेज डाल दीजिए। चलिए जी, वेरी क्विकली लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। हमारे पास खत्म हो चुका है वैसे तो यूनिट टू, बट एक बार यूनिट वन एंड यूनिट टू के बारे में हम देख पा रहे हैं कि मेजोरिटी दीज यूनिट्स आर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बेस्ड। हैविंग सेड दैट, इसका ये मतलब भी नहीं होता कि थ्योरी कभी पूछी नहीं जाएगी। मैं चाहती हूँ कि हम एक बारी ना क्विक गो थ्रू करें यूनिट वन एज वेल एज यूनिट टू को। हाँ जी, मुझे सभी बच्चे बताएंगे कि यूनिट वन में जब हमने सबसे पहला एग्रीगेट पढ़ा था, वो हमने एग्रीगेट पढ़ा था जीडीपी एट एमपी। अब जीडीपी एट एमपी की डेफिनेशन मैं आपको बता रही हूँ, बट उस डेफिनेशन में होने चाहिए 6 कीवर्ड्स। अब जीडीपी एट एमपी की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज दी मार्केट वैल्यू of all final economic goods and services, gross of depreciation produced within the domestic territory of a country during a given time period. तो तीन हमारे पास कीवर्ड्स ऐसे हैं जो कि कॉमन चलेंगे और बाकी के तीन हमारे पास आ जाएंगे अपने नाम से। तो इस तरीके से हम अलग अलग एग्रीगेट्स को डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं, देखिए जी, हमें इतना पता है दैट फाइनल गुड्स जो होते हैं उन्हीं की वैल्यू जीडीपी का हिस्सा बनती है। गिव मी अ मोमेंट प्लीज। जो फाइनल गुड्स होते हैं उन्हीं की वैल्यू जीडीपी का हिस्सा बनती है। इन अदर वर्ड्स, इंटरमीडिएट जो गुड्स होते हैं उनकी वैल्यू एलिमिनेटेड रहती है। तो अगर हम प्रोडक्ट मेथड से बात करें, प्रोडक्ट मेथड में जब हमारे पास जीडीपी या टेम्पी आता है उसको हम बोलते हैं समेशन वैल्यू एडेड, या तो अलग अलग सेक्टर्स की वैल्यू एडेड ऐसे ऐड कर लो। और हाउ डू वी अराइव एट वैल्यू एडेड? इट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ये तो हमें पता चल गया कि अगर हमने ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू नहीं माइनस करवाई तो क्या हो जाएगा, वो जो गुड्स है कहीं ना कहीं वो आउटपुट प्रोड्यूस का हिस्सा तो होते हैं, डबल काउंटिंग हो जाने वाली है हमको, इसलिए एक बार के लिए उनको बाहर निकालना है। ठीक है जी, इन जनरल अगर मैं डिस्कस करूं फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स की डेफिनेशन अलोंग विद एग्जाम्पल, फाइनल गुड्स की डेफिनेशन में क्या आता था? दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर कंजम्पशन और दे आर कैपिटल गुड्स। इन अदर वर्ड्स, दे आर नॉट मेंट फॉर फर्दर रीसेल और फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन। इन्हीं दोनों पॉइंट्स को स्विच करके आप इंटरमीडिएट बता दोगे दैट अल्टीमेटली दीज आर गुड्स विच आर मेंट फॉर फर्दर रीसेल एंड फॉर फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इन द सेम ईयर। इन द सेम ईयर इज अ कीवर्ड, and that means they are not meant for end consumption or they are not investment goods either. So ek bari hame cheez samajh mein aa gayi, all capital goods are final goods, koi confusion wali baat nahi. फिर हमारे पास कीवर्ड में आता है जी इकोनॉमिक। इकोनॉमिक गुड जो है अल्टीमेटली वो निकल कर आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी से। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। Economic activity is that activity which produces goods and services that can be exchanged in a market and has a market value, whereas non-economic activities generate goods and services which cannot be exchanged in a market and do not have market value. इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज में एग्जाम्पल किसी भी चीज का इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन। नॉन इकोनॉमिक में हॉबी एंड केयर एंड अफेक्शन ऑफ फैमिलीज वगैरह वगैरह। ठीक हो गया जी। उसके बाद ड्यूरिंग द गिवन टाइम पीरियड कॉन्सेप्ट से निकल कर आता है दैट ऑल दीज एग्रीगेट्स आर गोइंग टू बी फ्लो मेजर। इसे ये बात समझ में आती है दैट इफ देयर इज अ सेकंड हैंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो फिर वो इंक्लूडेड नहीं होगा। हाउएवर इफ देयर इज अ ब्रोकरेज पेड ऑन सच सेकंड हैंड एक्सचेंज, वो ब्रोकरेज विल बी अ पार्ट ऑफ जीडीपी। अच्छा जी,
जहां पर हम ग्रॉस की बात कर रहे हैं कि इट इज ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी में जो आउटपुट बना और उसको लेकर जो फैक्टर इनकम बटी, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी में बटी, चाहे वो बटी रेजिडेंट को या नॉन रेजिडेंट को, बट बटनी चाहिए डोमेस्टिक टेरिटरी में. एंड अगेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइसेस फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, वेयर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मींस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी. अब ये इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज दो तरीके की होते हैं, प्रोडक्ट टैक्सेस एज वेल एज प्रोडक्शन टैक्सेस. प्रोडक्ट टैक्सेस मींस द टैक्सेस व्हिच आर डिपेंडेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन. एग्जांपल आप यहां पर दे सकते हैं जीएसटी का, कस्टम ड्यूटी का. और प्रोडक्शन टैक्सेस मतलब व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, उसमें आप स्टैंप ड्यूटी, लाइसेंस फी, रजिस्ट्रेशन फी वगैरह वगैरह दे सकते हैं. ऐसे ही प्रोडक्ट सब्सिडीज जो कि डिपेंडेंट अपॉन क्वांटिटी है, फूड, पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर सब्सिडी, प्रोडक्शन सब्सिडी में विलेज इंडस्ट्री वगैरह या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, रेलवे इंडस्ट्री को अगर कोई सब्सिडी दी है वो आ जाए. ठीक हो गया जी. ऑलराइट. अब हमारे पास जो एक एग्रीगेट आता है एनडीपी या टिप्स, इस एग्रीगेट को हम क्या बोलते हैं? इट इज डोमेस्टिक इनकम, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी में बांटी गई फैक्टर इनकम, वेदर टू रेजिडेंट्स, वेदर टू नॉन रेजिडेंट्स. बट जो एग्रीगेट है एनएनपी एट एफ सी वो होता है नेशनल इनकम. और नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या है? इट इज द टोटल फैक्टर इनकम अर्नड बाय रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड. काम खत्म हो गया जी. अच्छा, अब हमने ऊपर डिस्कस किया था दैट प्रोडक्ट मेथड से वी अराइव एट जीडीपी एट एनपी, जिसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन करना है. अब ये वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन विल इंक्लूड इम्पोर्ट्स. और जहां तक रही वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस की बात, सेल्स इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. ठीक हो गया जी. ऑलराइट. अब हमारे पास एक और मेथड भी है, वो कौन सा मेथड है? इनकम मेथड. इनकम मेथड में हम सबसे पहले किस चीज पर अराइव करेंगे? एनडीपीएफसी. और एनडीपीएफसी में क्या क्या आएगा? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. अब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह सब आ जाएगा जी. ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रॉयल्टी. रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रॉयल्टी. और मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड आप जानते ही हैं, जो यहाँ पर सेग्रीगेटेड करके नहीं रख सकते वो मिक्स इनकम में आ जाएगा. ठीक हो गई बात. ऑलराइट. अब हमारे पास नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सपेंडिचर मेथड. और एक्सपेंडिचर मेथड अराइव करने वाला है सबसे पहले जीडीपी एट एमपी पर. नाउ जीडीपी एट एमपी के कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर क्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में आएगा हमारे पास फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट. जो ये फिक्स इन्वेस्टमेंट है इसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं. और ये कहाँ कहाँ से आएगी? हाउस होल्ड, फर्म्स और गवर्नमेंट. और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक रहेगा. एक और कॉम्पोनेंट है नेट एक्सपोर्ट्स का, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स. ठीक है जी. अब इन सभी मेथड के लिए कॉमन चीजें क्या रहेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफर पेमेंट विल बी एक्सक्लूडेड. और अगर एक किसी की ऑक्यूपेशन है और वहीं से वो कुछ सेल्फ कंजम्पशन भी कर रहे हैं तो वो नोशनल वैल्यू पर ऐड हो जाएगी. फॉर एग्जांपल एक फार्मर है, उसने फसल उगाई 100 kg, 10 kg उसकी सेल्फ कंजम्पशन है, तो दैट 10 kg विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ जीडीपी. ठीक है जी. अच्छा, सेकेंड हैंड गुड्स एक्सक्लूडेड रहेगा. ठीक हो गया जी. तो मेनली क्या है, क्या एक्सक्लूडेड रहेगा हमारे पास? ट्रांसफर पेमेंट एंड ऑफ कोर्स इलीगल या अनरिपोर्टेड ट्रांजैक्शंस, वो भी एक्सक्लूडेड रहेंगे. ठीक. अच्छा, हमने इसके बाद इस चैप्टर में और कॉन्सेप्ट्स क्या क्या डिस्कस किए थे? हमने डिस्कस किया था नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी. अब नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी की अगर डिस्टिंग्विश करना हो तो तीन पॉइंट्स बनते हैं जी. फर्स्ट ऑफ ऑल नॉमिनल जीडीपी मतलब द जीडीपी कैलकुलेटेड एट करंट प्राइसेस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट प्राइसेस विच आर टेकन फ्रॉम अ बेस ईयर. नॉमिनल जीडीपी चेंजेस ड्यू टू टू रीजंस, चेंजेस इन प्राइसेस, चेंजेस इन आउटपुट, व्हेयरएज रियल जीडीपी चेंजेस ओनली ड्यू टू चेंजेस इन आउटपुट. हेंस नॉमिनल जीडीपी इज नॉट अ गुड इंडिकेटर ऑफ
इकोनॉमिक वेलबींग एंड रियल जीडीपी इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलबींग. फिर इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वर्ड आ जाता है जी जीडीपी डिफ्लेटर. इट इज नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100. बाय द वे जीडीपी डिफ्लेटर का एक और नाम है प्राइस इंडेक्स. ये हमको डिफ्लेटर क्या बताते हैं, मान लीजिए ये वैल्यू हमारे पास आ गई मोर देन 100, इसका क्या मतलब है, एज कम्पेयर टू बेस ईयर करंट ईयर प्राइसेस हैव इंक्रीज. और अगर ये जीडीपी डिफ्लेटर लेस देन 100 है तो एज कम्पेयर टू बेस ईयर करंट ईयर प्राइसेस हैव डिक्रीज. अब जो ये कंपैरिजन आता है वो आता है एज कम्पेयर टू बेस ईयर. जब बेस ईयर काफी पहले है तो हमको चाहिए होता है कि एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर क्या चेंजेस है, इन्फ्लेशन है. तो ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन निकालने के लिए हमारे पास क्या है, दैट इन्फ्लेशन इन ईयर टू इज इक्वल टू जीडीपी डिफ्लेटर इन ईयर टू माइनस जीडीपी डिफ्लेटर इन ईयर वन अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर इन ईयर वन इनटू 100. इससे हमको एक पर्टिकुलर ईयर की इन्फ्लेशन पता चल जाएगी. और हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ है जी पर कैपिटा इनकम का, वो सभी जानते हैं जीडीपी पर कैपिटा इज टोटल जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन. अब एक जरूरी चीज, पर्सनल इनकम कॉन्सेप्ट. पर्सनल इनकम, पर्सनल नाम से क्या आता है, कौन सा सेक्टर जी, हाउस होल्ड. और हाउस होल्ड का रिसीव्ड कॉन्सेप्ट आएगा. और हमें अगर हमारे सामने अगर नेशनल इनकम है तो नेशनल इनकम में आपको वो चीजें ऐड करनी होंगी विच आर रिसीव्ड बट नॉट अर्न, और वो चीजें माइनस करनी होंगी विच आर अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड. क्योंकि नेशनल इनकम वो कॉन्सेप्ट है जो कि अर्न्ड कॉन्सेप्ट हमें बताता है. ठीक होगी जी बात. अच्छा, फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ जाता है ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम. इट इज जीएनपी एट एमपी प्लस नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक हो गया जी. और यहाँ पर जीएनटीआई के लिए ट्रांसफर्स विद इन एन इकोनॉमी कंसिडर नहीं होगा क्योंकि एक सेक्टर से जा रहा है तो दूसरे सेक्टर को रिसीव हो रहा है. ठीक हो, ठीक है जी. उसके बाद एक हमारे पास बात है कि जो हमारे पास डोमेस्टिक इनकम होती है एनडीपीएटएफसी, उसका एक हिस्सा तो जाता है हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर को, जिसको हम बोलते हैं कि पार्ट ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स या नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस. ठीक है जी, वो टेक्निकल वर्डिंग्स है. जो बच गया वो किसको अक्रू हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर. नाउ प्राइवेट सेक्टर एज अ वर्ड कंसिस्ट ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर एज वेल एज फर्म सेक्टर, बट कहीं ना कहीं एनडीपीएटएफसी एक अर्न्ड कॉन्सेप्ट है तो यहाँ पर भी आ गया अर्न्ड कॉन्सेप्ट. बट जो एक वर्ड होता है जी प्राइवेट इनकम, नाउ प्राइवेट इनकम ये नहीं है कि जो ये बच रही है ये प्राइवेट इनकम है, ना जी ना. प्राइवेट इनकम का मतलब रिसीव्ड कॉन्सेप्ट. तो हाउ डू यू कैलकुलेट प्राइवेट इनकम, आप एनडीपीएटएफसी अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर पकड़ोगे, जो भी ये वाली चीज है इसको पकड़ोगे, और इसमें ऐसी चीजें ऐड करोगे जो यहाँ पर हिस्सा नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, आपकी ट्रांसफर पेमेंट्स हो गई है, ट्रांसफर्स रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, ट्रांसफर रिसीव फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. एंड ऑल्सो सिंस दिस इज अ सब पार्ट ऑफ एनडीपीएटएफसी, हमको अलग से एनएफआई वगैरह भी जोड़ना पड़ सकता है. अगेन हमारे पास जब क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन देखकर हमको पता लगाना होता है हमको क्या प्लस या क्या माइनस करना है. एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम कहाँ से प्लस माइनस कर रहे हैं, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है. तो वो जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये कैलकुलेशन ऑफ प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम वगैरह जैसी चीजें क्लियर हो जाएंगी. हाँ, पर्सनल इनकम जहां हमने डिस्कस किया, एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है जी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. इट इज सिंपली पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल इनकम टैक्सेस माइनस नॉन टैक्स पे. ठीक है जी, इज देयर एनीथिंग लेफ्ट. यूनिट वन में अलग से भी कुछ बातें थी दैट स्टेट वेदर जीडीपी इज अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी. अपनी तरफ से चार या पांच लॉजिकल पॉइंट्स जो आपकी बुक में गिवन है कि हाँ जी इसमें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट नहीं आते हैं, इसमें ये वाली चीजें नहीं आएंगी. हाँ जी, प्राइस डिस्पैरिटी, इनकम डिस्पैरिटी, रियल जीडीपी पर कैपिटा अच्छा होना डजंट मीन वेलफेयर भी अच्छा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में नहीं है. हाँ, अपना अपना लेजर टाइम सैक्रिफाइस करके कुछ प्रोड्यूस करोगे जीडीपी तो बढ़ जाती है, बट लेजर टाइम सैक्रिफाइस करना इज नॉट द वेलफेयर. हाँ, एंड देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्रोडक्ट्स दैट मेक्स अस बेटर ऑफ and the products which prevents us from becoming worse off. ठीक है जी, फिर एक question बन जाता है, what are the computational challenges? Calculation को लेकर क्या दिक्कत आती है GDP में? हमने बोल दिया कि एक तो जी depreciation बड़ी subjective है, agreed definition नहीं है, फिर unorganized sector economy में लोग illiterate है, उनको पता नहीं होता report करना, illegal
नहीं वो कॉम्प्यूटेशनल चैलेंज नहीं आएगा कि कैलकुलेशन में क्या दिक्कत है, डेटा इकट्ठा करने में दिक्कत है, ये एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करना ये फाइनल है ये इंटरमीडिएट है, बड़ा मुश्किल काम हो जाता है जी। हमने बोल तो दिया सेल्फ कंजम्पशन नोशनल वैल्यू पर आनी चाहिए, सेल्फ कंजम्पशन हमें कैसे पता चलेगी कहाँ उसका डेटा इकट्ठा हो रहा है, ठीक हो गया जी। अच्छा फिर आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, डिफाइंड SNA सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स, इट इज अ सिंपली अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर कंपाइलिंग एंड रिपोर्टिंग नेशनल स्टेटिस्टिक्स फॉर सो एज टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, अपने वर्ड्स में लिखना है। सिस्टम ऑफ रीजनल अकाउंट्स इन इंडिया, हम बोलते हैं कि हर स्टेट अपना GDP कंपाइल करती है, उसके लिए उनको एक ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करती है नेमली सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, और जो कुछ पर्टिकुलर सेक्टर विच आर एट सेंट्रल लेवल आर नॉट बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर स्टेट उसको हम बोलते हैं सुपरा रीजनल सेक्टर, उनकी वैल्यू भी कुछ ऑन द बेसिस ऑफ सम पैरामीटर्स एलोकेट कर दी जाती है टू द अलग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद ऐसा कुछ क्वेश्चन बनता है दैट डज इंडिया अडॉप्ट ओनली वन मेथड ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेशन, हमने बोलना है नहीं, अलग अलग सेक्टर्स को अलग अलग, एग्जाम्पल जो पर्टिकुलर है एग्रीकल्चर को प्रोडक्ट, फिर स्मॉल स्केल सेक्टर को इनकम, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को एक्सपेंडिचर, फिर एक आ जाता है कि विच इज द बेस्ट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग इनकम ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज में रिपोर्टिंग अच्छी होती है तो उधर इनकम मेथड, डन हो गया जी यूनिट वन। अब फटाफट से यूनिट टू, यूनिट टू की इकट्ठी डिस्कशन हम टेकअप करने वाले हैं। यूनिट टू वॉज ऑल अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ केनेजियन इक्विलिब्रियम इनकम, केनेजियन थ्योरी की बात थी। अब जहां पर केनेजियन थ्योरी की बात आ जाती है आपको पता होना चाहिए कि इसके अगेंस्ट पहले क्या था, क्लासिकल व्यू था। क्लासिकल थ्योरी ने ये बोला इकोनॉमी जहां सेटल होगी इक्विलिब्रियम जहां आएगा ऑटोमेटिकली फुल एम्प्लॉयमेंट पर आएगा, और उनकी अजम्पशन कहां से निकल कर आई, उनकी अजम्पशन निकल कर आई दैट वेजेस और इंटरेस्ट रेट आर एडजस्टेबल, वो चेंज होंगे, अगर हमारे रिसोर्सेज खाली जा रहे हैं तो वो सस्ते में काम करने को तैयार हो जाएंगे, वेज रेट एडजस्ट होकर सप्लाई कब शिफ्ट होता है, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होती है, ऑटोमेटिक फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाएगी। बट केन्स ने बोला नहीं, लोग खाली भी बैठे हैं तो भी वो सस्ते में काम करने को तैयार नहीं होंगे, वेज रेट नहीं हिलेंगे, देयर विल बी नो ऑटोमेटिक शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व, नो ऑटोमेटिक फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, दैट मींस इक्विलिब्रियम बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल या अबव फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आ सकता है, ठीक है जी। अब केनेजियन फंक्शन ने, जो केनेजियन थ्योरी ने जो भी हमारे पास इक्विलिब्रियम की बात की, अल्टीमेटली हाउ इक्विलिब्रियम इज अराइव्ड, इट इज एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, टू सेक्टर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कैसे आती है, C+I और इधर C+S, थ्री सेक्टर इकोनॉमी में C+I+G और इधर C+F+T, और फोर सेक्टर इकोनॉमी में C+I+C+X-M C+S+T, अल्टीमेटली काफी चीजें यहाँ पर बन जाती हैं कि वो ऑटोनॉमस है। तुमने बोल दिया कि हाँ देयर आर मेनी डिटरमिनेंट्स एटलीस्ट फॉर टू सेक्टर इकोनॉमी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस होती है तो मेन बात रह जाती है, मेन फोकस रह जाता है कंजम्पशन फंक्शन पर। अब हम कंजम्पशन फंक्शन रिकॉल करते हैं, और कंजम्पशन फंक्शन के लिए मैं ये नहीं कह रही हूं मैं सिर्फ पर्टिकुलर टू टू सेक्टर इकोनॉमी, हर जगह के लिए कंजम्पशन फंक्शन इट विल बी A+B/D, वेयर ए मींस ऑटोनॉमस कंजम्पशन एंड B/D इज इंड्यूस्ड कंजम्पशन, YD मतलब डिस्पोजेबल इनकम, और ये कैसे अराइव होती है, नेशनल इनकम माइनस टैक्सेस प्लस ट्रांसफर पेमेंट, ठीक होगी जी बात। अच्छा जो हमारे पास ये बी है इसका क्या मतलब होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसकी डेफिनेशन इंक्रीज इन कंजम्पशन ड्यू टू पर यूनिट इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, सिंबल बी या Δc/Δyd, ठीक है जी। फिर MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 1-B होता है, इट इज सेविंग्स अपॉन Δyd, बेसिकली ये बात कहां से निकल कर आ रही है, सेविंग्स फंक्शन से, सेविंग फंक्शन कैसे डिनोट होता है, इट इज माइनस ए प्लस 1-B/D, ठीक है जी। और हमें पता है इनकम इज ईदर स्पेंड और सेव एटलीस्ट इन टू सेक्टर इकोनॉमी, हम ये बात बोल सकते हैं, ठीक हो गया। ऑलराइट अब यहीं पर ही हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ये तो जनरली डिस्कस हो गया कंजम्पशन एंड योर सेविंग्स फंक्शन, एक बार ही कॉन्सेप्ट डिस्कस करो इंजेक्शन एंड लीकेज का। इंजेक्शन की डेफिनेशन एनी इनफ्लो टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और लीकेज मतलब एनी पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंड ऑन करंटली प्रोड्यूस्ड फूड्स एंड सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड लीकेज। अच्छा अगर मैं आपको इकट्ठी करवाऊं कि हमारे पास ये इंजेक्शन है ये लीकेज है, टू सेक्टर मॉडल में इन्वेस्टमेंट इज एन इंजेक्शन एंड लीकेज इज अ सेविंग,
थ्री सेक्टर मॉडल में आई प्लस जी और इधर सेविंग्स प्लस टैक्सेस, और इधर आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट, और इधर इंपोर्ट इज अ लीकेज. ठीक. अच्छा, अब लीकेजेस को लेकर अदर पॉइंट्स भी है कि लेट अस से स्केर्सिटी है गुड्स की तब भी लीकेज हो जाती है, इकोनॉमी इज ऑलरेडी ऑपरेटिंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तब भी हो जाती है, सेकंड हैंड गुड्स ले लिए, एक्जिस्टिंग वेल्थ ले ली, तब भी लीकेज तो हो ही जाएगी. हाँ जी, इम्पोर्ट्स भी, इम्पोर्ट्स तो प्रॉपर यहाँ पे हो ही गया ना. इसके अलावा हमारे पास और भी कारण है. ठीक होगी जी बात. ऑलराइट, अब अगर मुझे मल्टीप्लायर आपको डिस्कस करवाना है, देखो अभी भी मल्टीप्लायर मैंने जो आपको पढ़ाए वैसे पढ़ाए, टू सेक्टर इकोनॉमी में ये, थ्री सेक्टर इकोनॉमी में ये, फोर सेक्टर में ये. मैं ये बोलूं पूरे यूनिट के लिए एक चीज याद करो, पूरे यूनिट के लिए फोर सेक्टर इकोनॉमी वाला, वन अपॉन वन माइनस बी नेट ऑफ टैक्स प्लस एम. अब सोचो अगर टू सेक्टर इकोनॉमी है तो एम नहीं होने वाला, टी नहीं होने वाला, अपने आप वन अपॉन वन माइनस बी रह जाएगा. अगर थ्री सेक्टर इकोनॉमी है एम नहीं होने वाला, अपने आप ही वन अपॉन वन माइनस बी नेट ऑफ टैक्स रह जाएगा. तो मल्टीप्लायर अगर एक बार ही आपको फोर सेक्टर का याद है, दैट मीन्स आपको सभी सेक्टर्स का याद है. एम मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट, और ये कहाँ से निकल कर आती है, इम्पोर्ट फंक्शन से निकल कर आती है. इम्पोर्ट फंक्शन कैसे डिनोट होता है, m is equal to m bar plus marginal propensity to import and y. तो जो ये है इसका क्या मतलब है, that delta m upon delta y, कहने का मतलब अगर national income बढ़ती है एक रुपए से तो हमारे पास imports कितने बढ़े. ठीक हो गया जी. अच्छा, कई बार ऐसा question बन जाता है that how do leakages impact multiplier, तो हम बोलेंगे stronger the leakages smaller is the value of multiplier. अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए that what does government play the role, how does government play a role in three sector economy, तो आपने उसमें बताना है that government के interaction with households क्या है, वो उनको transfer payment देती है, taxes charge करती है. गवर्नमेंट की इंटरेक्शन विद बिजनेस सेक्टर क्या है, टैक्सेस चार्ज करती है, सब्सिडीज देती है. गवर्नमेंट की इंटरेक्शन विद फैक्टर मार्केट क्या रहेगी, वहां से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर करेगी, प्रोडक्ट मार्केट से जाके अपना एक्सपेंडिचर करेगी, और फाइनेंशियल मार्केट से वो बोरोइंग्स लेगी. व्हाट डज फॉरेन सेक्टर, हाउ डज फॉरेन सेक्टर प्ले अ रोल इन फोर सेक्टर इकोनॉमी, एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स एंड नेट कैपिटल इनपुट्स. ठीक है, और इस चैप्टर में से आपसे ये पूछा जा सकता है दैट आपका इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप के बारे में, तो डिफ्लेशनरी गैप और इन्फ्लेशनरी गैप में पहली लाइन इन दोनों टॉपिक्स में क्या रहेगी, आप पहले डेफिशिएंट डिमांड या एक्सेस डिमांड बताएंगे. डेफिशिएंट डिमांड क्या, व्हेन एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फॉल शॉर्ट ऑफ व्हाट इट शुड हैव बीन एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. फिर इसको आगे फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, इट गिव्स राइज टू डिफ्लेशनरी गैप, एंड इट डिफ्लेशनरी गैप की वजह से ड्यू टू डिफ्लेशनरी गैप अल्टीमेटली क्या होता है, the equilibrium income is lower than full employment. Equilibrium graph बनाना है और explain कर देने हैं. Similarly, inflationary gap में excess demand, actual demand is more than what it should have been at full employment level. It gives rise to inflationary gap. Ultimately, equilibrium is achieved after at a level which is more than full employment level. This means only the nominal value of output has increased due to inflation. Otherwise, real GDP remains the same. इस तरीके से आपने explain करना है. I don't think I have left anything यहाँ पर जो हमको जो भी कुछ recall करना था. Multiplier का formula has been discussed, injection leakages discussed है, हमारे पास equilibrium कैसे आते हैं वो भी हमारे पास discussed हो चुका है. Anything else which you are able to recall? Unit 2, हाँ जी. MPC. अरे अच्छा, ABC and APS, ठीक है, अच्छी बातें याद दिला दिया. Average propensity to consume, it is total consumption upon income, and average propensity to save, it is savings upon income. ठीक है जी. और मल्टीप्लायर की जहां तक बात है, जो भी आपके पास चलो फॉर्मूला है वो बन जाता है, बट आपके पास कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट पॉसिबल वैल्यूज मल्टीप्लायर कैन टेक, इट इज वन टू इन्फिनिटी. मतलब सीधी सी बात है, मेरा ये डिनोमिनेटर एक्सट्रीम्स को लेकर, इस डिनोमिनेटर को लेकर सोचो क्या पॉसिबल वैल्यूज है, या तो ये वन बनेगा या तो जीरो बनेगा, उस हिसाब से मल्टीप्लायर या तो वन होगा या इनफाइनाइट. हाँ जी, मल्टीप्लायर माइनस में नहीं. हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई हमने एक्सपेंडिचर विड्रॉ कर लिया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कट बैक कर लिया, तो नेशनल इनकम गिरेगी.
उसके लिए भी मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट होगा, बट आई वुडंट से देयर इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव वैल्यू टू द मल्टीप्लायर इन दैट केस. ब्लैकवर्ड मल्टीप्लाई तो होता है, बट उसकी वैल्यू स्टिल मैं नेगेटिव में डिनोट नहीं करूंगी. मैं बोलूंगी इफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस, नेशनल इनकम ऑल्सो डिक्रीजेस, दोनों मूव तो सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं ना, इसलिए मेरे लिए वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज नॉट नेगेटिव है. ठीक है जी, डन हो गया, कवर हो गया. एपीसी जीरो नहीं हो सकता बिकॉज कुछ ना कुछ एक बेयर मिनिमम कंजम्पशन तो होती होती है. ए तो एटलीस्ट कंजम्पशन हमारी पॉजिटिव सेंस में कुछ तो रहेगी ही रहेगी. ठीक है जी, चलिए एनीथिंग एल्स, क्लोज कर दे इसको. बहुत बढ़िया.